नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 2 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मामलों ने फिर एक बार नया रिकॉर्ड बना दिया है। देश में बीते 24 घंटे में 4.14 लाख संक्रमितों की पहचान हुई है। नए केस का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। साथ ही आखिरी 24 घंटे में 3,920 मरीजों की मौत भी हुई है। आखिरी 7 दिन में ये तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को 4.02 लाख और 5 मई को 4.12 लाख मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण और यात्रियों की कमी के चलते रेलवे ने दिल्ली समेत 23 प्रमुख शहरों से चलने वाली 28 ट्रेनों को 9 मई से रद्द करने का फैसला लिया है। इनमें 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी जन शताब्दी, 2 तुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। इनमें दिल्ली से कालका, हबीबगंज, अमृतसर, चंडीगढ़ जाने वाली शताब्दी, दिल्ली से चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली राजधानी और जम्मूतवी और पुणे जैसी जगहों से आने वाली शताब्दी भी शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार का विमान गुरुवार रात 9 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट एक्सीडेंट का शिकार हो गया। बता दें, लैंडिंग के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण स्टेट प्लेन पलट गया। हादसे में सीनियर पायलट कैप्टन शहीद माजिद अख्तर, पायलट शिवशंकर जायसवाल और एक अफसर घायल हुए हैं। सभी को ग्वालियर के JAH यानी कि जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान गुजरात के अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आया था। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर। सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। राजस्थान में जालौर जिले के लाछड़ी गांव में बोरवेल में फंसे बच्चे को गुरुवार देर रात सुरक्षित निकाल लिया गया है। स्थानीय माधाराम ने देर रात करीब 2 बजे के आसपास बच्चे को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाला है। बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 16 घंटे तक चला। बोरवेल में ये बच्चा गुरुवार सुबह गिर 90 फुट की गहराई पर जाकर फंस गया था। कोरोना महामारी के बीच कनाडा ने 12-15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले ये वैक्सीन 16 से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। अब अमेरिका में भी इसे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। फाइजर का दावा है कि उसने 12-15 साल के 2,260 बच्चों पर ट्रायल किया है और ये वैक्सीन इस आयु समूह पर 100% प्रभावी साबित हुई है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।